अगर आपको जल्दी में कुछ खाने का मन है और आप सोच रहे हैं कि क्या बनाएं, तो आप ये रेडीमेड वाला ढोकला मिक्स जरूर बनाएं, बहुत ही जल्दी बनने वाला है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैंने क्या किया है, गैस पर इडली कुकर में पानी डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैंने झटपट से एक बाउल में ये ढोकले का मिक्स लिया और इसे गर्म पानी डालते हुए अच्छा सा इसका परफेक्ट बैटर बना लेना है। जैसे ही आप इसमें पानी डालेंगे फटाफट से फर्मेंट होने लगता है। अब इसे एक ही डायरेक्शन में एक मिनट के लिए इस तरीके से चला लेना है। उसके बाद हम इसे रेस्ट पर नहीं रखेंगे, बस फटाफट से इसे बनाना है। तो यहाँ पर इडली का सांचा लिया है मैंने, उसको थोड़ा सा ग्रीस किया है और सारे जो इडली के सांचे हैं सभी में मैंने मिक्स को फिल कर दिया है। इसके बाद पानी भी हमारा गर्म हो गया है, तो इसे कुक होने के लिए रखेंगे। के बैटर में हमें नमक या कोई भी चीज अलग से नहीं मिलाना है, क्योंकि इसमें सारी चीजें पहले से ही मिली हुई रहती हैं। अब हमें इसे ढककर 5 मिनट के लिए कुक करना है हाई फ्लेम पर। अब जब तक हमारा ढोकला उधर बन रहा तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन में मैंने सरसों का तेल लिया है, उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच राई डाल दिया है, 3 से 4 हरी मिर्च को मैंने लंबी पीस में काट कर डाल दिया और बहुत सारा मीठी नीम का पत्ता इसमें मिलाया है। उसके बाद मैंने चीनी डाल दिया है 1 चम्मच। अब इसमें पानी डालकर हमें 1 मिनट के लिए इसे बॉईल करना है। साथ ही मैंने इसमें 1 नींबू का रस भी डाल दिया है, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैंने इधर अपना ढोकला चेक किया है, बहुत अच्छे से फ्लफी हो गया है, लेकिन मैंने अभी फ्लेम को थोड़ा सा धीमा किया और 2 मिनट तक इसे और कुक किया। अब ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है, हमें इसे 2 मिनट के लिए ठंडा करना है। उसके बाद सारा इसे निकाल लेना है, बहुत आसानी से निकल जाता है। इसके बाद आप इसे चाहे तो काट के सर्व करें या फिर इसी तरीके से इसे सर्व कर सकते हैं। अब मैंने इसमें तड़का डाल दिया है, इसके बाद हमारा ये बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाला इडली ढोकला बिल्कुल रेडी है। आप चाहे तो इसी के ऊपर से ही तड़का इसमें डाल सकते हैं। तो आप चाहे तो इस ढोकले को काट करके सर्व करें या फिर इसी तरीके से, बहुत ही डिलीशियस है। और